वर्क्स ऑफ आर्ट, ये चालू हो गया है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो आर्ट्स होते हैं तो उसके बारे में जानकारी हम इकट्ठी करते हैं, फिर उसको जो है जानकारी के बारे में हम यहाँ पे रीड वर्क यहाँ पे देखने वाले है। 3.2 रीडिंग वर्क ऑफ आर्ट, यहाँ पे आपको वार्मिंग अप करके यहाँ पे एक्सरसाइज की छोटी सी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट कलर टर्म। तो यहाँ पे आपको कुछ कलर के नाम दिए, तो वो कलर यहाँ पे फिट बैठनी चाहिए, उसकी मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए, ऐसे आपको जो है एप्रोप्रिएट कलर उसमें रखने हैं। तो यहाँ पे दिया है गिव समवन अ, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया है लुक, तो यहाँ पे ऐसा कलर डालना है कि उसकी मीनिंग क्या होगी, अ लुक ऑफ एंगर, मतलब गुस्से से देखना या डिसलाइक यानी पसंद ना करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, गिव समवन रेड लुक, यानी रेड का मतलब क्या होता है कि जब कोई गुस्सा आता है तो उसका चेहरा लाल हो गया, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसे वो यहाँ पे रेड लुक। फिर यहाँ पे द ब्लैंक शिप ऑफ फैमिली अ पर्सन हु ब्रिंग डिसग्रेस, तो फैमिली में जो ऐसा पर्सन होगा कि वो डिसग्रेस जो है सबको करता है, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, द ब्लैक शीप, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक शीप आएगा। अ लिस्ट ब्लैंक अ ब्लैंक्स लिस्ट, यानी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर, डिफॉल्टर यानी जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ पे उनको डिफॉल्टर के लिए कौन सा कलर जो है सूट होता है, जैसे ब्लू हो, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में रेड आया था, यहाँ पे ब्लैक आया था, तो ऐसे डिफॉल्टर के लिए आप कौन सा कलर चूज करोगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है आउट ऑफ द, यहाँ पे ब्लैंक दिया है सडन, मतलब ऐसा कलर कि उसका मीनिंग क्या आएगा, सडन आएगा या अनएक्सपेक्टेड आएगा। फिर यहाँ पे दिया है वंस इन अ ब्लैंक मून, तो वेरी रेयर, रेयर यानी क्वचित यानी कभी कभी मिलना, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है वैनिश इन टू ब्लैंक्स, लिव विदाउट एनी ट्रेस, यानी किसी भी तरह का जो तकलीफ ना करते वो चले जाना, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है अ ब्लैंक बेल्ट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड वुड और अराउंड द सिटी, तो एरिया ऑफ फील्ड यानी खेत के आसपास कैसे कलर का जो है यहाँ पे वातावरण रहेगा, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो है कलर जो सूट होगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है ब्लैंक बर्ड, तो ये ब्लड, ब्लड रॉयल ब्लड, और यहाँ पे एंटीसेप्टिक ओरिजिन किसको बोला जाता है, किस कलर को बोला जाता है, वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे टू हैव ब्लैंक फिंगर, तो बी गुड एट अ गार्डनिंग, तो अगर कोई गार्डनिंग में अच्छा है तो उसका हाथ जो है अच्छा है ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है कलर जो सूट होगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है आई बॉय, तो यहाँ पे लिखना है कि फेवरेट पर्सन के लिए कौन सा कलर आएगा, ब्लू आएगा, ब्लैक आएगा, रेड आएगा या ग्रीन आएगा, येलो आएगा, इसे आपको यहाँ पे कलर के नाम लिखने कोई भी एक। फिर यहाँ पे दिया है बी ब्लैंक्स विथ एनी, यानी किसी जो यहाँ पे फील वेरी जेलस, यहाँ पे मीनिंग दिया है उस कलर का, तो अपने एनिमी के ऊपर वो कोई जलता हो तो उसके लिए कौन सा कलर आएगा, ब्लैक आएगा, रेड आएगा, कौन सा आएगा, यहाँ पे वो लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है कैच समवन ब्लैंक्स हैंडेड, मतलब किसी को पकड़ना, किसी को कोई अगर बुरा काम कराए, तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि रेड हैंडेड पकड़ना जैसे क्राइम होता है, तो यहाँ पे आपको आपको कलर लिखना है उसका। फिर यहाँ पे दिया है गिव समवन गेट द ब्लैंक सिग्नल, किसी को जो है सिग्नल देना कि वो क्या करेगा कि परमिशन टू डू समथिंग, यानी किसी की किसी जो है आपकी चीज के लिए वो परमिशन उसको मिल गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या सिग्नल मिल गया है, तो वो सिग्नल का कौन सा होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, वो सिग्नल का रेड कलर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया रोल आउट द ब्लैंक कार्पेट, तो गिव स्पेशल वेलकम, किसी को जो है स्पेशल वेलकम करने के लिए कौन सा कलर यहाँ पे यूज आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे ब्लोड फ्रॉम द, किसी सडन कोई शॉक आ गया हो, सरप्राइज, तो उस इस दोनों मीनिंग के लिए कौन सा कलर आएगा वो यहाँ पे कलर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है अ ब्लैंक हियरिंग समथिंग दैट डिजायर अटेंशन फ्रॉम द मेन, मतलब किसी जो एक उद्देश्य होता है तो उससे हटकर कुछ दूसरे उद्देश्य पे फिर जला जाना, यानी किसी पे किसी का ध्यान भटकाना, उसके लिए कौन सा कलर आएगा वो लिखना है। फिर यहाँ पे सी है बिकम एंग्री, तो एंग्री के लिए कौन सा कलर आएगा वो यहाँ पे लिखना है कि वो कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, उसके ऊपर जो है फेस जो है यहाँ पे एंग्री बताया, तो उसके लिए कौन सा कलर आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट आर यू रिमाइंडेड ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग कलर, तो यहाँ पे आपको कुछ कलर के नाम दिए, उनके कलर भी दिए है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आप जब इस कलर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है,
तो पर्पल दिया है, पर्पल कलर भी दिया है, ऑरेंज है, ऑरेंज का दिया है आपको, येलो दिया है, पिंक दिया है, व्हाइट दिया है। तो जब को आप पर्पल कलर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो किसी के दिमाग में बैंगन आता होगा क्योंकि बैंगन का कलर भी पर्पल होता है। फिर आपके ऑरेंज आने के बाद किसी को जो है ऑरेंज का कलर आप सोचने के बाद आपको आपके दिमाग में ऑरेंज आते हो गए, येलो येलो के बाद फिर पिंक कलर सोचते हो तो किसी फ्लावर का फ्लावर को आप रिमाइंड करते होंगे। तो ऐसे आपको इस कलर को सोचने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको यहाँ पे थिंग्स के नाम या कुछ भी जो आपको याद आता हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए तो देखते हैं रीडिंग वर्क ऑफ आर्ट, यानी जो आर्ट है उसके बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे सैयद हैदर रजा जो यहाँ पे इंसान है, ये बहुत बड़े पेंटर है, तो उनके सभी यहाँ पे आपको जो एक एक करके पेंटिंग दी है उसके बारे में आपको नॉलेज बताई है, तो उनके बारे में ये पूरा चैप्टर आपको दिया है। सैयद हैदर रजा पॉपुलरली नोन एज अ रजा वॉज अ रिनॉर्ड इंडियन आर्टिस्ट, तो उनको जो है यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट करके यहाँ पे संबोध किया जाता है। सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स ट्रेनिंग कलर कॉम्बिनेशन कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, उन्होंने क्या क्या किया है कि सिंपल जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं तो उनको उनके थ्रू, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ स्क्वायर है, कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ऐसे जो सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं तो उनके यूज करके उन्होंने जो अलग अलग तरह के पेंटिंग कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए हैं। दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिज पेंटिंग, तो उनके जो किसी का जो कौशल्य होता है तो उनके अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए वो फेमस होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए फेमस थे एंड सो एंड द कलर ब्लू एंड ऑरेंज, तो इसलिए उनका जो कलर है सबसे ज्यादा ब्लू और ऑरेंज को ज्यादा करके इस्तेमाल करते थे। यू विल फाइंड देम इन मोस्ट ऑल द पेंटिंग, तो आपको जो ये कलर है ब्लू और ऑरेंज सभी लगभग सभी पेंटिंग में आपको दिखाई देगा। नो नाउ दिस पेंटिंग ऑफ स्पीक लाइक ह्यूमन फिगर और कॉपीज ऑफ सीन फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट, तो वो क्या जो पेंटिंग बनाते थे तो वो जो है इंसानों के जीवन के ऊपर, फिर जो इन्वायरमेंट होता है हमारा पर्यावरण होता है इसके ऊपर जो है उन्होंने अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई है। हिज पेंटिंग बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो उनकी जो पेंटिंग थी तो कुछ हटके थी, तो अलग स्टाइल की वो पेंटिंग यहाँ पे बनाते थे। सच पेंटिंग आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो ये जो कुछ पेंटिंग की थी वो जो है बाकी एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर होके ऐसे नहीं बनाई गई है। दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राई टू पिक इनटू हिज ओन इनर माइंड, तो कुछ कुछ पेंटिंग जो है वो जो है यहाँ पे किसी चीज पे ध्यान पे रख के नहीं बनाते थे, तो कभी कभी बनाते समय कुछ और ही बन जाता था, तो ऐसे जो है उनके दिमाग में जो जो आए वो ऐसे बनाते जाते थे। दे आर मेड बाय अ रिविंग सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल लाइंस डॉट एंड डिफरेंट कंपोजिशन यूजिंग द इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अप्लाइंग पेंट्स अट्रैक्टिव कलर्स कॉम्बिनेशन चेविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस, तो उनके पेंटिंग में ज्यादातर के वो ज्योमेट्रिकल शेप यूज करते थे, तो कौन कौन से सर्कल दिए, ट्रायंगल दिए, स्क्वायर दिए, रेक्टेंगल दिए, डॉट लाइंस, और फिर जो है यहाँ पे पेंट यूज करते थे तो फिर वो अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन लगाते थे, उसमें जो बैलेंस है वो परफेक्ट बैलेंस करते थे कि वो अट्रैक्टिव दिखे। रजा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड हिज हेरिटेज स्कल्पचर एक्सटेंडेड एंड फिलोसॉफी, तो यहाँ पे जो रजे थे उन्होंने क्या किया था कि जो इंडियन कल्चर थे उनके ऊपर बहुत सारा उन्होंने जो यहाँ पे रिसर्च की थी, नॉलेज इकट्ठा किया था, फिर उनके ऊपर जो अलग अलग कल्चर जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। हिज पिक्चर सीम टू रेडिएट पीसेस पीस एंड लाइफ एट द सम टाइम, तो उनकी जो कुछ कुछ पेंटिंग जो है यहाँ पे पीस यानी शांतता दर्शाती थी। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट, तो ये जो पेंटिंग है उसमें कुछ डीप थॉट भी छुपा के रखे जाते थे। वेरी फ्यू एप्स ऑफ पेंटिंग कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रजा डू, तो जैसे पेंटिंग बनाते समय जो रजा उन पेंटिंग के साथ कम्युनिकेट हो जाते थे, तो वैसे ही जो व्यूअर्स थे जो बाकी के लोग थे तो उनको देखने के बाद जो है वो भी उस पेंटिंग के साथ जो है कम्युनिकेट करने लग जाते थे, यानी बात करने लग जाती थी, उनको उनके लाइफ की पेंटिंग ऐसे लगती थी। तो ये है सैयद हैदर रजा, ये जो है बहुत मशहूर पेंटर है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उनकी पेंटिंग ये सर्कल है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल, सबसे ज्यादा पेंटिंग में उन्होंने जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप ही यहाँ पे यूज किया है, मूर्ति भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है उनका, हमने यहाँ पे पिक्चर देखा है, तो अभी उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। रजा वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश, तो वो जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्मॉल विलेज में वो पैदा हुए थे। ही बिगन टू पेंट फ्रॉम द
एज ऑफ 12, तो 12 साल से जो पेंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया है। स्टडी एट द चित्रकला महाविद्यालय, तो चित्रकला महाविद्यालय उनके जो यहाँ पे उनके विलेज में था, उन्होंने यहाँ पे नागपुर से उन्होंने महाविद्यालय में पढ़ाई की पेंटिंग के बारे में। देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, फिर जो है नागपुर से फिर उन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद वो मुंबई में जो यहाँ पे जे स्कूल नाम का आर्ट का स्कूल है वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली। आफ्टर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट, उसके बाद जो है मुंबई से स्टडी करने के बाद वो फ्रांस में भी गए आफ्टर स्टडी के लिए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही डिसाइडेड टू सेटल इन फ्रांस, कुछ सालों के बाद जो है उन्होंने स्टडी करने के बाद फ्रांस में सेटल होने का डिसाइड किया। हिज वाइफ वॉज फ्रेंच, तो उनकी वाइफ जो है यहाँ पे फ्रेंच उसी देश की थी। ही वॉन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, तो उनके पेंटिंग के लिए उनको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ ऑल द 3 पद्मश्री अवार्ड, तो जो सभी पद्मश्री अवार्ड होते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तीनों अवार्ड से वो जो है नवाजे गए हैं। With all the awards and the honor, his painting were exploring a spiritual, mythical path. तो जो उनकी जो पेंटिंग थी तो वो सभी mythological, spiritual यानी हमें जो है अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के वो पेंटिंग यहाँ पे मैसेज दिए करते थे। Gradually the बिंदु और point, तो जो point है उसको हिंदी में बिंदु कहा जाता है, तो वो जो point है came to be core his painting, तो उसके पेंटिंग में जो है हमेशा जो है वो पॉइंट और बिंदु वो रहते थे। ही डिस्क्राइब हिज वर्क इन दिस वर्ड, तो ये जो बिंदु है उसी वर्ड में जो है पूरी उनकी पेंटिंग को डिस्क्राइब करते थे। तो वो ये हमेशा एक लाइन बोलते थे, माय वर्क इज माय ओन इनर एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट विद मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड द फॉर्म विच इज एक्सर्टेड इन कलर लाइन शेप एंड लाइट, तो वो कहते थे कि मेरा जो काम है वो मेरा खुद का एक इनर एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर से जो है वो एक्सपीरियंस में जो करता था वो मैं अपने पेंटिंग पे उतारता था और नेचर में जितने भी मिस्टेरिकल थिंग है वो सभी मैं अपने पेंटिंग में डालता था। किसके थ्रू, तो कलर्स, लाइन, शेप और लाइट के थ्रू वो सभी अपने पेंटिंग में इन्वॉल्व करते थे। समटाइम एन आर्टिस्ट थॉट अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, तो जब कोई आर्टिस्ट जो है यहाँ पे उनको वर्ड्स के थ्रू बात नहीं करना आता है तो इसलिए वो जो है अपने आर्ट जो होता है, फिर कोई पेंटिंग कर रहा हो या कोई डांसर हो तो वो अपने डांस के थ्रू, अपने पेंटिंग के थ्रू वो जो है अपने मन के भाव वो रखते थे। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेट इज वर्क, तो उनका कम्युनिकेशन का यानी बात करने का तरीका वो सबसे इफेक्टिव कौन सा था, तो उनका वर्क यानी वो पेंटिंग के थ्रू ही सबसे ज्यादा बात करते थे। हिज पेंटिंग रजा हैड अ ग्रेट क्रिएटिविटी, तो रजा जो थे उनके बहुत सारी जो है अलग अलग तरह के वो क्रिएटिविटी जो है थ्रू उनके पेंटिंग के थ्रू उभर के आती थी। हिज पेंटिंग आर वेरी एक्सपेंसिव, तो फिर जो है वो पेंटिंग जो है उनकी बहुत एक्सपेंसिव थी यानी बहुत जो है ज्यादा यानी बेची जाती थी। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट एज ऑफ 94, तो उनकी जो डेथ हो गई थी तो वो 23 जुलाई 2016 को हुई थी और उनके जो एज थी वो कितनी थी यहाँ पे 94 थी। और लिविंग बिहाइंड अ लीगल ऑफ सेंसिटिविटी पेंटिंग, तो उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे लीगसी उन्होंने पेंटिंग के ऊपर यहाँ पे सेंसिटिविटी छोड़ दी थी। अचीव थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन एंड कलर, तो उसमें भी जो है यहाँ पे लाइन और कलर में ही यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी। दैट स्पेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, तो वो जो है लाइन और कलर को यूज करके उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन बनाई थी। तो वो उनकी लास्ट पेंटिंग थी जो उन्होंने छोड़ रखी थी, ये है वो पेंटिंग जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पे लाइन, डॉट्स और अलग अलग कलर्स जो यूज करके उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे कि सभी जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल और कुछ यहाँ पे डॉट्स दिए, तो ऐसे अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप यूज करके। और एक खासियत बात क्या थी कि वो जो अपने पेंटिंग में ज्यादातर के ब्लू और ऑरेंज कलर वो इस्तेमाल करते थे। ऐसे हमने यहाँ पे सैयद हैदर रजा उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, उनकी पेंटिंग भी देखी है, दो उनकी जो है जर्नी हमने यहाँ पे पढ़ी है, उसके आगे का पार्ट जो है गोल्ड आर्ट यानी जो उन्होंने नेचर के बारे में जो पेंटिंग बनाई है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।